तो इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश नाम का एक लड़का अपनी कहानी बताता है कि उसने एल्फ के साथ मिलकर एक महायुद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़े ड्रैगन को हराया। इंसानों ने क्रिश की बहादुरी के लिए उसे इनाम भी दिया, लेकिन उसके लिए तो सिर्फ एक ही इनाम था, लाली का प्यार, जो कि एल्फ की राजकुमारी थी। युद्ध के खत्म होने के बाद क्रिश और लाली अपने अपने घर चले गए, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को काफी मिस किया करते थे। इसी बीच एल्फ के राजकुमारी माया की शादी लाली के भाई प्रिंस से फिक्स हो जाती है। तो इस पर लाली राजकुमारी से कहती है कि क्या आपने क्रिश को बुलाने के लिए मेरे भाई से पूछा। तो राजकुमारी लाली से कहती है कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई इंसानों से कितनी नफरत करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानों को बुलाने के लिए कहा है, क्योंकि इंसानों की वजह से ही हमारी जीत हुई थी। क्रिश को बुलाने की बात सुनकर लाली काफी खुश होती है। तो राजकुमारी माया उसे समझाती है कि अपने दोस्तों को बुलाने से पहले उन्हें यहाँ के तौर तरीके के बारे में बता देना, क्योंकि तुम्हारे भाई की तरह ही यहाँ के ज्यादातर एल्फ इंसानों से नफरत करते हैं। लाली क्रिश को बुलाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर क्रिश को अपने भाई के शादी में बुलाने के लिए इनविटेशन भेजती है। क्रिश लाली के एरो को देखते ही उसे पहचान जाता है, और जब वो एल्फ किंगडम जाने का इनविटेशन देखता है तो लाली से मिलने के लिए खुशी से नाचने लगता है। इनविटेशन मिलने के बाद ही क्रिश अपना काम बंद करके जल्दी से लाली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट बनाने लगा। इसके बाद हम राजकुमारी माया की बड़ी बहन एलिना को देखते हैं, जो की एक डार्क एंजल होती है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने के लिए ब्लैक मनी को अपने खून से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी। मनी के एक्टिवेट होते ही एक जोरदार तूफान आता है और चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं। अचानक से काले बादल को देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। वहीं वो मनी एक्टिवेट होते ही एलिना को अपने वश में कर लेती है और वहाँ के सभी मुर्दे एलिना के गुलाम बन जाते हैं। वहीं एक मुर्दा क्रिश के पास चला जाता है, जिसे देखकर उसका पेट काफी डर जाता है। तो क्रिश उस मुर्दे को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो मुर्दा उनके हाथ नहीं आता। तो क्रिश अपने वफादार पेट की मदद से उस मुर्दे को अपनी भट्टी में डालकर मार डालता है। काफी शोर होने की वजह से वहाँ क्रिश के अंकल आ जाते हैं। तो क्रिश को अंगूठी बनाते देखकर उसे समझाते हैं कि इंसान एल्फ से प्यार करने के बाद खुश नहीं रह पाते, इसीलिए तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। तो क्रिश अपने अंकल को जवाब देते हुए कहता है कि ऐसे प्यार का मतलब क्या जिसकी कोई खतरनाक कहानी ना हो। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं, जो सभी आत्माओं की एक सेना बनाकर एल्फ किंगडम पर हमला करने की योजना बनाती है। उधर क्रिश अपने अंकल और दोनों पेट डॉग के साथ एल्फ साम्राज्य जाने के लिए निकल पड़ा था, जहाँ वो शिप के ओनर आका को एल्फ साम्राज्य के नियमों की एक पर्ची दिखाता है, जिसकी मदद से वो लोग एल्फ किंगडम में रहने के नियम को समझते हैं। एल्फ किंगडम जाते हुए क्रिश काफी खुश हो रहा था। वहीं रास्ते में उसे उसकी अंकल की बनाई हुई एक हवाई यान दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिश उसे उड़ाने की कोशिश करता है। शुरू में तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे उड़ाना कैसे है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो उस यान को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। वहीं याका जब क्रिश को शिप पर नहीं देखता तो वो काफी हैरान होता है। इस वजह से वो क्रिश के अंकल लालू को पकड़कर क्रिश के बारे में पूछने लगता है। तभी क्रिश वो हवाई यान उड़ाते हुए वहां पर पहुंचता है, जिसके बाद वो अपने पेट डॉग को लेकर उनसे पहले ही एल्फ किंगडम पहुंच जाता है, जहां लाली क्रिश को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। क्रिश जब लाली के साथ एल्फ किंगडम में घूमने जाता है तो सभी लोग क्रिश को देखकर काफी हैरान होते हैं। वो जब राजकुमारी माया से मिलता है तो उन्हें शादी की शुभकामनाएं देता है, और लीला के भाई को जब क्रिश के आने का पता चलता है तो वो राजकुमारी माया को काफी डांटता है और उसे बताता है कि उसकी और कुछ अजीब राक्षसों के वहाँ आने की उसे खबर मिली है। ये कहते हुए प्रिंस माया से कहता है कि इंसानों की उम्र हम एल्फ से काफी छोटी होती है, इसीलिए आगे जाने के बाद लाली को इस रिश्ते से परेशानी हो सकती है। इसीलिए वो लाली को समझाए कि वो इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि उनकी जिंदगी का असली मकसद उनके जीवन की मनी को बचाना है, क्योंकि वो मनी ही सारे एल्फ के जीवन का अस्तित्व होता है। राजकुमारी प्रिंस की बात मानते हुए लीला को जीवन के मनी के पास ले जाती है और उसे बताती है कि यही एल्फ के जीवन और शक्ति का स्रोत है। शुरुआत में तो ये एक ही मनी था, लेकिन बाद में गॉड ने इसे दो भागों में बांट दिया, काले और हरे में। जहाँ हरा मनी जीवन को दर्शाता था तो वहीं काला मनी मृत्यु को। लेकिन अब किसी को भी ये पता नहीं था कि काला मनी कहाँ पर है, और इस हरे मनी की देखभाल वो कई सदियों से करते आ रहे थे, और उस हरे मनी को राजकुमारी अपनी शादियों में पहनती है। लेकिन वो राजकुमारी लाली से कहती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार ये मनी तुम पहनो। ये बात सुनकर लाली जब उससे उसका कारण पूछती है तो राजकुमारी बताती है कि मैं काली मनी को महसूस कर सकती हूँ, वो लगातार हमारे पास आ रहा है और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी रक्षा तुम करो। मनी लेकर लीला कहती है कि मैं इसे क्रिश को दिखाऊंगी, तो राजकुमारी उसे बताती है कि नहीं, हम इंसानों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद वो लाली को इसके लिए काफी समझाती है। उधर सभी लोगों के एल्फ किंगडम पहुंचने पर उनसे उनके सभी हथियार ले लिए जाते हैं, ताकि वो वहाँ के एल्फ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचा पाए। अगले दिन राजकुमारी और प्रिंस के वेडिंग का समय आता है, जहाँ जाने से पहले भी राजकुमारी लाली को समझाती है कि इस मनी के पास कोई इंसान न आ पाए। वहीं वेडिंग में लाली क्रिश को अपने फेवरेट जगह पे ले जाती है, जहाँ से वेडिंग का पूरा नजारा साफ साफ दिखता था। इसी दौरान लाली क्रिश को एक
धनुष गिफ्ट करती है। तो मौका पाकर क्रिस भी लाली को अपना रिंग देते हुए उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी वेडिंग के दौरान ही वहाँ पर एलिना आकर हमला कर देती है। दरअसल एलिना वहाँ पर वो मनी लेने आई थी, क्योंकि राजकुमारी अपनी शादी में वो मनी पहनती थी, लेकिन जब एलिना को माया के पास वो मनी नहीं मिलती तो वो माया को चोट पहुँचाने लगती है। ये देखकर क्रिस एलिना पर वार कर देता है, जिससे एलिना घायल हो जाती है। तो वो गुस्से में उसी एरो से एलिना क्रिस को भी घायल कर देती है, जिससे क्रिस के अंदर भी काली मनी की शक्तियाँ आ जाती है। एलिना को जब जीवन की मनी नहीं मिलती तो माया को वो किडनैप करके अपने साथ ही ले जाती है, और उसके बदले में वो प्रिंस से मनी की मांग करती है। एलिना के वहाँ से जाते ही प्रिंस क्रिस और उसके दोस्तों को वापस जाने का आदेश देता है, और उसके बाद वो अपनी सिप लेकर एलिना की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में लाली प्रिंस से पूछती है कि क्या एलिना राजकुमारी को जिंदा भी रखी होगी या नहीं। तो प्रिंस उससे कहता है कि तुम बस मनी को बचाओ, मैं और सैनिक राजकुमारी को बचाने के लिए हैं। उनके कुछ ही दूर जाने पर वहाँ क्रिस भी अपनी यान लेकर आ जाता है, जो राजकुमारी को लेकर अकेले ही वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उन्हें एलिना का सिप मिलता है तो वो दोनों चुपके से उस सिप में घुस जाते हैं, लेकिन वहीं घायल होने की वजह से क्रिस अब धीरे धीरे एलिना के वश में होने लगा था। छुपते छुपते वो लोग किसी तरह राजकुमारी के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उनसे कुछ बात करते, एलिना की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तो क्रिस उनका सामना करते हुए किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन तभी उनके पीछे एलिना आ जाती है, जो लाली को उस सिप से नीचे गिरा देती है। लेकिन सही समय पर क्रिस लाली को बचाकर उसे उसके सिप पर ले आता है। लाली को क्रिस के साथ देखकर प्रिंस उस पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर जब क्रिस उस प्रिंस को समझाने की कोशिश करता है तो वो क्रिस को भी बहुत डांटता है। ये सब देखकर लाली क्रिस को वहां से वापस जाने को कहती है, और इसी के साथ वो क्रिस को ये भी कहती है कि तुम हम में से नहीं हो, इसीलिए हम अब कभी नहीं मिलेंगे। ये बात सुनकर क्रिस गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में उस पर कुछ बारिश की बूंदे गिरती है, जिसके गिरते ही क्रिस को एलिना की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसमें वो क्रिस की मदद करने के लिए कह रही थी। इसी बीच उसका सिप जलने लगा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। दरअसल क्रिस ये सब अपने सपने में देख रहा होता है। नींद से जागने के बाद जब सभी लोग क्रिस को उदास देखते हैं तो उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एलिना का सिप देखते हैं, जहां एक आत्मा एक बर्ड को मारने की कोशिश कर रहा था। तो क्रिस के पालतू पेट उस बर्ड को उस आत्मा से बचाते हैं। वहीं एलिना अपनी सिप को लेकर पवित्र मैदान की ओर जा रही थी, ताकि वो ड्रैगन के आत्माओं को भी चुरा सके। ये देखकर माया उससे कहती है कि तुम्हें काले मनी ने बदल दिया है। तो एलिना उससे कहती है कि मुझे काले मनी ने नहीं बल्कि तुमने बदल दिया है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मैं तुमसे काफी बेहतर थी, लेकिन लोग मुझे नजरअंदाज करते थे, क्योंकि सिर्फ तुम ही जीवन की मनी का इस्तेमाल कर सकती थी, इसीलिए लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं इस पर तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अगर लोगों ने मुझे ना ठुकराया होता तो मुझे ये पावर कभी नहीं मिल पाती। ये कहते हुए एलिना पवित्र मैदान की ओर निकल पड़ती है। वहीं राजकुमारी माया को क्रिस के पालतू पेट मिलते हैं, जिनसे वो मदद मांगती है। एलिना जब ड्रैगन की आत्मा चुरा रही थी तो वहाँ पर क्रिस आ जाता है, जिससे एलिना एक डील करती है। वो क्रिस से एल्फ के नक्शे के बदले में लाली को देने का वादा करती है, लेकिन इस बात से क्रिस साफ साफ मना कर देता है। तो एलिना उससे कहती है कि यदि तुमने वो नक्शा लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी। ये बात सुनकर क्रिस एलिना का काम करने के लिए मान जाता है। उधर एलिना की सेना अचानक से एल्फ के सिप पर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से उनके सिप पर आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक आत्मा लाली को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर क्रिस आ जाता है, जो लाली को बचा लेता है। तभी एक और आत्मा उन पर हमला कर देती है, तो क्रिस उसके सीने में अपनी तलवार उतार कर उसे मार डालता है। फाइट के दौरान सभी आत्माएं जब उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है तो आका अपनी सिप से वहां पर आकर सभी को बचाता है, और उनके सिप के टूटने से पहले ही वो सभी को अपने सिप पर बुला लेता है। लेकिन तभी अचानक से क्रिस के हाथों में दर्द होने लगा था, क्योंकि एलिना क्रिस को एल्फ का नक्शा लाने के लिए बोलती है। आका के सिप पर आने के बाद उन लोगों के बीच कुछ अनबन हो जाती है, जिससे वो लोग एक दूसरे से काफी नाराज हो जाते हैं। तो लाली प्रिंस से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो वो लाली को बताता है कि क्रिस अब काली मनी के वश में हो गया है, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि एलिना जब काली मनी के पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो ये क्या करेगा। ये बात सुनकर लाली कहती है कि क्या हम जीवन की मनी से क्रिस को ठीक नहीं कर सकते। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, हम इस मनी का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकते, और ये इंसानों पर कभी योग भी नहीं हुआ है। क्रिस सारी बातों को छिपकर सुन रहा था, जिससे वो काफी दुखी होता है। और जब आधी रात होती है तो वो मौका पाकर एल्फ के नक्शे को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। लाली उसके इस हरकत से काफी शर्मिंदा थी। इधर क्रिस के पालतू पेट्स राजकुमारी की मदद करते हुए उन्हें उसका एरो ला कर देते हैं। वो एरो मिलने के बाद मौका पाते ही माया एलिना पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो काले मनी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो उस काले मनी को छूती है तो उसे जोर का एक झटका लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। एलिना माया के इस हरकत से काफी नाराज थी और वो उसे जान से मारने जाती है।
लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस एल्फ के नक्शे को लेकर आता है और वो उस नक्शे के बदले में माया की जान मांगता है। लेकिन एलिना क्रिस की बात नहीं मानती और वो माया पर एक जोरदार वार करती है। ये देखकर क्रिस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से क्रिस को रोक लेती है और उससे नक्शे को लेकर जीवन की मनी के बारे में पता लगाती है। तो उसे पता चलता है कि वो मनी तो लाली के पास है। मनी का पता चलते ही एलिना काफी खुश होती है और वो क्रिस के बॉडी के साथ लाली के पास पहुंचती है। वो लाली से जीवन की मनी देने की मांग करती है, लेकिन जब वो उसे देने से इनकार करती है तो क्रिस लाली पर हमला कर देता है। शुरू में किसी को पता नहीं चलता कि ये एलिना है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि ये क्रिस नहीं बल्कि उसकी बॉडी में एलिना है। ये जानने के बाद लाली भागते हुए क्रिस पर एरो से वार कर देती है। एलिना भी लाली पर वार करती है, लेकिन क्रिस एलिना के एरो को तोड़ देता है, जिससे लाली को चोट तो नहीं पहुंचती, लेकिन लाली के एरो से क्रिस घायल हो जाता है। लाली जब ये देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और बिना सोचे समझे ही जीवन की मनी से क्रिस को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जीवन की मनी क्रिस पर जरा भी काम नहीं करता। तो लाली अपने खून से उस मनी को लगाकर क्रिस को ठीक करने की कोशिश करती है। ये देखकर प्रिंस लाली को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से उस काली मनी की शक्तियां लाली के अंदर आ सकती थी, लेकिन फिर भी लाली नहीं मानती और वो क्रिस को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। और उसके काफी कोशिश करने के बाद क्रिस सही सलामत ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो लाली को बताता है कि एलिना ने माया को अंधेरी गुफा में छुपा कर रखा है। वो सभी एक बार फिर से मिलकर राजकुमारी को छुड़ाने जाते हैं। इधर एलिना नक्शे की मदद से उनकी सारी बातों को सुन रही थी, इसीलिए वो उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। उसके हमले के दौरान वो लोग जाकर एक गुफा में गिरते हैं, जहाँ पे एलिना का शिप भी क्रैश हो जाता है, लेकिन माया उसी शिप के दूसरी तरफ कैद होती है, जहाँ वो लोग पहुँच नहीं पा रहे थे। इसीलिए लाली अपनी जादुई एरो में जीवन की मनी को माया के पास भेज देती है। उधर एलिना अपने शिप से निकलकर उन पर हमला करने के लिए उनका पीछा करने लगती है। भागते हुए वो लोग एक खाई के पास पहुँचते हैं, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल था। तभी वहाँ पर एलिना आती है, जो लाली को पकड़कर खाई के उस पार ले आती है और उससे जीवन की मनी मांगने की कोशिश करती है। लाली को तकलीफ में देखकर क्रिस एलिना को मारने जाता है, तो एलिना क्रिस के साथ उसके दोस्तों को खाई में गिराने वाली थी और जैसे ही वो लाली को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जीवन की मनी को लेकर वहाँ पर माया आ जाती है, जो एलिना को बंदी बना लेती है और क्रिस के दोस्तों को खाई में गिरने से बचा भी लेती है। माया प्रिंस से मिलकर काफी खुश थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और एलिना दोबारा से एक ड्रैगन बनकर बाहर आती है। बाहर आते ही वो उन लोगों पर हमला करने लगती है। सभी लोग एलिना के हमले से बचकर वहाँ से भाग रहे थे और भागकर एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं, जहाँ क्रिस को एलिना को मारने का एक आइडिया आता है और उसके आइडिया पर भरोसा करते हुए वो लोग बखूबी उसका साथ निभाते हैं एलिना को लावा के दरवाजे तक लाने में। क्रिस जब एलिना के पास पहुँचता है तो उसे मनी देने के लिए वो लाली को अपने से दूर कर देता है, ताकि अगर एलिना कोई चाल चले तो उसमें लाली को चोट ना आए। और जब क्रिस वो मनी लेकर एलिना को देने जाता है तो वो मौका पाकर एलिना को लावा के दरवाजे के अंदर भेज देता है। लावा के अंदर जाने के बाद सभी को लगता है कि एलिना मारी गई, लेकिन वो अगले ही पल उस लावा से बाहर निकल आती है। वहां से बाहर निकलते ही वो क्रिस पर हमला करके उससे जीवन की मनी ले लेती है, लेकिन जैसे ही वो उस मनी को लेकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, क्रिस उस मनी को लेकर एक बार फिर से वो एलिना के साथ ही खुद भी लावा के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं, लेकिन अगले ही पल उस लावा से एक ज्वालामुखी फटता और उस ज्वालामुखी से जीवन की मनी की शक्ति निकलती है, जो सभी आत्माओं को दुनिया से मुक्त कर देती है। और इसी के साथ अगले ही पल क्रिस भी वहां से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और लाली भागते हुए उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर प्रिंस काफी हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी इंसान का मनी से मिलान नहीं हुआ था। तो राजकुमारी माया प्रिंस से कहती है कि हमें इंसानों को अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए, जिसका एग्जाम्पल खुद क्रिस है, और शायद ये मनी भी हमें यही बताना चाहती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी आखिरी सांस तक हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर क्रिस एक इंसान है जिसकी जिंदगी एल्फ की तुलना में काफी कम है, लेकिन उसने ये बता दिया कि हम कितने लंबे समय तक जीते हैं वो मायने नहीं रखता, हम कितना जिए और कैसे जिए ये मायने रखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।